फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गार्डनिंग विद अपूर्वा। कैसे आप सब लोग? आज मैं रिपोर्ट करूँगी पिंक कनेर, जिसे मैंने अगस्त में लगाया था कटिंग से। और देखिए अभी कितना बड़ा हो गया, 1 साल का होने वाला है और अब इसमें फूल नहीं आ रहा। इसमें रूट बॉर्न हो चुके, ऊपर ऊपर दिख रहा है रूट, कितनी सारी दिख रही हैं। और आप देख सकते हैं कि मेरे सारे जो भी फल होते हैं उनके पत्तियाँ सुखा कर या ऐसे ही केले के हैं, अनार के छिलके हैं, डाल देती हूँ। और आज मैं इसी की रिपोर्टिंग करूँगी। थोड़ा जड़ें बहुत ज़्यादा हो गई, फूल नहीं आ रहे। और देखिए इसमें मैंने सेवंती की भी कटिंग लगा रखी है दो, तो इन्हें भी आज अलग पॉट में लगाऊँगी। और चलिए रिपोर्ट करते हैं। सबसे पहले पॉट को थोड़ा सा तिरछा कर लेंगे, अपनी साइड ही साइड आप बैठे हैं और गमले के दोनों साइड पर देखिए पैरों का सहारा देते हुए जड़ के पास से जो पौधे का तना है वहाँ से पकड़ के खींचना है आपको अपनी साइड ऊपर की ओर। और देखिए कितनी आसानी से निकल गया। सिर्फ ध्यान इतना देना है कि एक आध दो दिन पानी मत दीजिए ताकि मिट्टी थोड़ा सूखी रहे और आसानी से निकल आए। देखिए गमला कितना साफ़ सुथरा है और जड़ भी देख सकते हैं आप लोग कि जड़ें देखिए कितनी ज़्यादा हो चुकी हैं। यही वजह है कि इसमें फूल नहीं आ रहे थे। तो चलिए इसकी जड़ों को थोड़ा मैं कट कर दूँगी और मिट्टी भी झाड़ दूँगी। तो फ्रेश सॉइल मिक्स बनाया है मैंने, ये कटिंग्स भी मैं निकाल लूँगी और इनको लगा दूँगी। ये देखिए जड़ें देख सकते हैं आप लोग, कितना ज़्यादा इसमें जड़ें हैं और छोटी 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 बहुत सारी जड़ें हैं। इसे मिट्टी बहुत कम बची थी, बट यही वजह है कि इसमें कलियां तो आ रही थी बट फूल नहीं हो पा रहा था, मुझे समझ भी आ रहा था। चलिए फिर से रिपोर्ट करते हैं। वही गमला ले लूँगी मैं, इसके होल्स जो है टूटे हुए गमले के टुकड़े से ढक दूँगी, एक लेयर मिट्टी डालूँगी, फिर मैं थोड़ा सा गार्डन वेस्ट जो है पेड़ पौधे साफ करती हूँ वो डाल दूँगी, ताकि थोड़ा पॉट का वेटेड भी ना हो, वेट भी कम रहे और मिट्टी भी मुझे कम डालनी पड़े, मिट्टी भी कम लगे। मैं हमेशा जब भी पौधे लगाती हूँ या सब्जी लगाऊँ या फ्लावर्स लगाऊँ ऐसे ही कर लेती हूँ, उसको प्रॉपर दबा लिया। अब इसमें मिट्टी डालूँगी एक लेयर, फिर जो मैंने प्रोन किया है जड़ों को पौधे को उसको मैं इसमें रखूँगी थोड़ा सा ही, ताकि वो नीचे तक जा सके। और मैंने कोई पॉट चेंज नहीं किया है क्योंकि मिट्टी निकाल दिया, जड़ें काट दिया तो इसी में ही आ जाएगा। प्रॉपर सेंटर में रखेंगे और अब मैं इसको मिट्टी से फिल कर दूंगी। मिट्टी मैंने बनाया है 60% गार्डन सॉइल, 30% इसमें मैंने गोबर की खाद मिलाया है, 10% में मैंने नीम की खली, थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सा सरसों की खली और थोड़ा रेतीली मिट्टी थी तो इसमें मैंने रेत नहीं मिलाया है। देखिए प्रॉपर इसको अच्छे से भर देंगे दवा के। आपको मिट्टी अगर चेक करें, मिट्टी वेल ड्रेन होनी चाहिए क्योंकि बारिश का मौसम आ चुका है और अगर पानी रुकेगा तो पौधे की जड़ें सड़ जाएंगी। देखिए मैंने मिट्टी अच्छे से भर लिया, मिट्टी मैं गर्मी में ही बना कर रख लेती हूँ बारिश आने के पहले। देखिए आई पानी डाल करके चेक कर रहे हैं कि पानी निकल रहा है नीचे से कि नहीं। बारिश का मौसम आ चुका है, आप लोग भी कटिंग लगा सकते हैं, नए नए पौधे लगा सकते हैं। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब।